हाय एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा। मेरा अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपको पता है 8 नवंबर, जी हाँ बिल्कुल, दिन तो भूलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी रिमाइंड करें, 8 नवंबर के दिन नोटबंदी हुई थी और आज नोटबंदी बर्थडे हम मना रहे हैं नोटबंदी का। तो इसमें हम पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं कि पब्लिक को इस बर्थडे पर वो किस तरह सेलिब्रेशन कर रहे हैं और नोटबंदी का उनके लाइफ में किस किस तरह इफेक्ट हुआ है और किस तरह इम्पैक्ट हुआ है, हम ये पब्लिक रिव्यू लेंगे। और पूरा वीडियो देखना ना भूले, बहुत सारी फनी चीज़ें आने वाली है। 8 नवंबर है, आपका नोटबंदी के रिलेटेड एक्सपीरियंस बोलिए हमारे व्यूअर्स को। अच्छा है, देश को अच्छा रहता। उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ पे? अच्छा इम्पैक्ट हुआ, बुरा इम्पैक्ट हुआ? अच्छा इम्पैक्ट हुआ। कैसा? तो बोल नहीं सक रहे, उतनी हंसी आ रही है। तो बहुत बुरा इम्पैक्ट था क्योंकि सडन से नोट्स पूरा बैन किए थे और सर्कुलेशन भी नहीं था। जब एक ही बार कस्टमर्स ब्रांच के ऊपर आते हमारे पास, उनको करेंसी देने के लिए करेंसी भी नहीं, हम तो पैसे चला रहे ना अंदर। और जो कुछ भी गवर्नमेंट डिसीजन लिया था उतना सर्कुलेशन पहले बैंकों को सप्लाई करने का था, विदाउट सप्लाई वो डायरेक्ट बोल दिया कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ख़राब था। इम्प्लीमेंटेशन के मतलब पहले एक्चुअली प्रिकॉशन लेना था इसका, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज फेस किए पब्लिक, वो क्यू पे खड़ा रहे, हमको भी पैसा नहीं मिला, बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ। तो फाइनली डिसीजन फेल हुआ है आपका बोलने का, मोदी सरकार का जो डिसीजन था फाइनली फेल? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन फेल हुआ। डिसीजन इज गुड बट हरासमेंट नहीं होता था। लेकिन बड़े बड़े लोगों के पास तो बहुत पैसे है, तो आराम से ये करे। आम आदमी, ओनली आम आदमी परेशान में रहे बस। गुड नेम सर? सुरेंद्र फतेहपुर फ्रॉम गुलबर्गा। या तो अभी जो नोटबंदी था, आज 8th of November है, उसका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस पे किस तरह इफेक्ट हुआ है? नोटबंदी होने से बहुत इफेक्ट हो गया है। पहले अच्छा था, अभी नोटबंदी होने के बाद पैसे का भी प्रॉब्लम हो रहा। पब्लिक का बोले तो पब्लिक भी नहीं, पैसे का बहुत प्रॉब्लम हो रहा, ATM हो ये। पहले नोटबंदी होने से पहले अच्छा था। आपका बिजनेस, ये नोटबंदी डिसीजन सही है या गलत था? गलत है ये। गलत है कि ये एक डिसीजन था, ये सक्सेसफुल था या फिर फेलियर डिसीजन? हाँ, वो तो 100% सक्सेसफुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर थोड़ा स्टार्टिंग में ट्रबल हुआ, थोड़ा ट्रबल हुआ कुछ लोगों को, कुछ शादी में वो थोड़ा ट्रबल हुआ स्टार्टिंग में, मगर लॉन्ग टर्म में इट इज़ ए बेनिफिट टू द इंडिया। कैसा सर? फॉर एग्जांपल, अब मेरे घर में शादी था, मैं कुछ भी खरीद नहीं कर सका। सक्सेसफुल किस तरह रहा बोले तो जो ब्लैक मनी था, जो ब्लैक मनी अभी भी है या था, वो ब्लैक मनी अभी 100% वो ब्लैक मनी आउट हुआ। नहीं सर, अभी जो RBI का रिपोर्ट है वो जो जितना वो एक्सेप्ट कर रहे थे ब्लैक मनी आने का, उसमें से सिर्फ 1% आया, तो इसकी तो अकॉर्डिंग टू 99% जो रिपोर्ट्स आए हैं, तो इसका ये डिसीजन को फेल बोल रहे हैं। तो नहीं, मैं नहीं मानता कि वो फेल है, वो फेल कभी नहीं है। और कुछ समझ में, अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया उसका, लॉन्ग टर्म में इट इज़ ए बेनिफिट टू दी पुअर पीपल। कोई गरीब लोगों को लॉस हुआ बोलते, गरीब लोगों को कई को लॉस होते हैं। अब सबको बैंक में कितना पैसा है उनके पास, मुझे भी बैंक में पैसा था, मुझे भी तकलीफ हुआ थोड़ा, मगर एडजस्ट किया मैंने। शादी, मेरा बेटे का शादी किया, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। मगर कुछ लोग उसको कुछ भी, कोई नया प्रोग्राम हम करते हैं तो स्टार्टिंग में वो ये ट्रबल होता है, मगर लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट होता है, वो पब्लिक को अभी मालूम नहीं। माय गुड नेम इज़ RC पटने, आई एम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर। ओके, नुकसान ही नुकसान हुआ है नोटबंदी में। जैसे क्या, हर चीज़ का रेट तो ज़्यादा ही बढ़ गया, कोई कम तो नहीं हुआ है। और हाँ, वो तो हुआ है, वो क्या 5-5, 6-6 घंटे खड़े थे लाइन में। हाँ, घर का सब काम छोड़ के आके खड़ा रहना पड़ता था ना। पब्लिक को बहुत ही तकलीफ उठाना पड़ा है, सो ये नहीं होना चाहिए था। गलत था मेरे हिसाब से, गलत था, बिल्कुल गलत था। नहीं, इससे तो पैसा तो कुछ बैंक बनी तो नहीं आया गरीबों का, बट टाइम बहुत यहाँ पे हुआ, कई लोग मर चुके भी है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और स्विस बैंक से तो बहुत पैसा है, वहाँ ब्लैक मनी वहाँ से आना चाहिए, गरीबों के पास ब्लैक मनी कहाँ से आएगी? गलत दिशा एक हिसाब से, अभी तक परेशान है, 3 साल हुआ अभी तक नहीं सुधरे हम। आम आदमी तो परेशान है अभी तक, शायद कुछ हो सकता है, पैसे वालों को फ़ायदा हुआ होगा, बड़े बड़े कारोबार वालों को हुआ होगा, लेकिन
छोटे मोटे कारोबार वाले को तो कुछ फायदा नहीं हुआ। ऑटो चलाते हम। नोटबंदी अच्छा हुआ, फिर भी मार्केट वाले पूरा ज्यादा करके नोटबंदी का, नोटबंदी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, नोटबंदी अच्छा हुआ हमारे देश के लिए। नहीं अच्छा हुआ, बारे में कई दिक्कत है, कई मुश्किल है, कई परेशानी लोग हैं, आज भी परेशानी है, जब से अब तक नोटबंदी हुई अब तक परेशानी चाहिए। मोदी भी भड़वा है, वो पूरा गलत काम करा सो ने, ये जो डिसीजन था वो जो बिल्कुल गलत करा ने डिसीजन, बिल्कुल गलत डिसीजन करा। नोट बन गए, गरीब को सबको परेशान कर रहा, रोड बुलाया गुलबर्गा हिंदुस्तान कर्नाटक हिंदुस्तान पर रोड पर आ गया। ये सही हुआ आपके लिए या गलत हुआ? बहुत गलत हुआ, हर किसी का नुकसान है इसमें, हर किसी का कारोबार मार खाया, और कारोबार में दिलचस्पी नहीं है किसी को भी। लोगों के पास पैसा रहेगा तो कारोबार। हमारे क्या दे रहे हैं, छोटे मोटे कारोबार है, फिर भी आपको बहुत परेशान हुआ, दो दो दिन एक एक रात वहाँ जाकर सोना पड़ता, लाइन लगा के परेशान हो गया हमको। तो ये जो फैसला गवर्नमेंट ली थी ये सही थी या सही था गलत? अरे कई का फैसला गवर्नमेंट का क्या करते हैं, सब गरीबों के लिए परेशानी होती है, गरीब मरते हैं और क्या, सब बड़े लोग आराम से रह जाते हैं, उनको क्या फर्क नहीं पड़ता, परेशानी गवर्नमेंट की है। हाँ हो गया, हाँ नुकसान तो बहुत हो जाता जी, मगर क्या करना, अब ये तो सबका है ना, हमारे को तरफ से तो नहीं है, वो एक तरफ बोले तो मोदी अच्छा करे, एक तरफ बोले तो हमारे को नुकसान नहीं हुआ है, और यहाँ पर का रेट टाइम से वो बंद हुआ, लॉस हुआ है हमारे को भी थोड़ा। ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೈದತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಸರಿ, ಬರೀ ಮಾಡೋದು ಗಂಟು ಮಾಡೋದು ಮಾಲಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಸಿಮ್ ದುಡ್ದಂಗೆ ರೀ, ಪುದಲ್ ದುಡಿಯೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪೈದತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಅದ ರೀ, ಬರೀ ಸಿಮ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ದಂಧೆ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಬೇಸೋದು, ಪೊಲೀಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾಪ್ಸ್ಕೊಡೋದು, ದಂಧೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ರೀ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅದ ರೀ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡೋಣ ಮಂದಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ರೀ, ಅದೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಗ್ಲಿಪ್ಪು ನಮಗೇನು, ಅದೇನು ಗರೀಬ್ ಮಂದಿಗೆ ಏನದ ಅಷ್ಟ ಪರಿ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ರೀ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ದಂಧೆ ಮಾಡೋದು ಅವ ತಿನ್ನೋದು ಜನ ದಂಧೆ ಡಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ರೀ, ಗಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಯಾವ ರೀ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀ ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಓಕೆ ದೋಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಸಹಿ ತಾ ಸಹಿ ತಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೋ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಲಿಖಾ ಗಯಾ ಕಿ ಆಫ್ಟರ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಯೇ ಜೋ ಕರೆನ್ಸಿ ವೋ ಚೇಂಜ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಆಕ್ಚುಲಿ 70 ಇಯರ್ಸ್ ಕೆ ಬಾವಜೂದ ಭಿ ನಹೀ ಕರ್ ರಹೇ, ಮತಲಬ್ ಯೇ ತೋ ಅಚ್ಛಾ ಹುವಾ ಹೈ ನಾ, ಕರಪ್ಷನ್ ತೋ ಛೋಡೋ, ಲೇಕಿನ್ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಜೋ ನಕಲಿ ಜೋ ನೋಟ್ ರಹೇ ತೋ ವೋ ತೋ ಬಂದ್ ಹುವಾ ಹೈ ನಾ, लेने के भी परेशानी कर रही है, 2000 की नोट भी निकाले हैं जो चिल्लर के लिए तो बहुत परेशान होना पड़ रहा लगा हमको, तो पब्लिक तो बहुत परेशानी हो रही है चीज़ में, नोटबंदी के 2000 में तो बहुत परेशानी हो रही है वो हिसाब से, तो नोटबंदी में तो कई लोग जो परेशान है उस चीज़ में, कारोबार तो बहुत अपट होगा, कारोबार बहुत अपट होगा। आज 2 साल पहले नोटबंदी भी थी? हाँ हुई थी। नहीं गलत ही सही है, नोटबंदी के बाद बहुत ठंडे आ गए सब व्यापार, बहुत ठंडे, हाँ जरा ना समझेंगे तुम्हें, अब मेरा एक करें सब सबका है सब। नहीं तो नोटबंदी का जो फैसला लिया गया, नहीं 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 कारोबार तो बहुत पड़े, हरे सोला भी नहीं खरा, हाँ कारोबार में बहुत ठंडा, लिए सो डिसीजन बहुत करेक्ट है वो। किस तरह से थोड़ा किस तरह बोले तो किसी को ये नोटबंदी करे इसको काला धन तो वापस तो आ गए, कम से कम आपके हिसाब से वापस आ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गए। ओके। 8 नवंबर 2016। जी हाँ यही था वो दिन जिस दिन 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। नोटबंदी के दौरान हम सब एटीएम की लाइन में लगे और ये सोच करके अब भारत में करप्शन, आतंकवाद, नकली नोट सब बंद हो जाएंगे और काला धन सब वापस आ जाएगा, भुखमरी मिट जाएगी और भारत एक नया भारत बनेगा। लेकिन हुआ क्या,
हमें तो सिर्फ लाइनों में खड़ा रहना पड़ा और रात रात भर जागना पड़ा। जी हाँ, याद करें वो मंज़र जिस दिन हम रात के 3-3 बजे तक लाइन में खड़े होकर और हम पैसों के लिए लाठी भी हमें खानी पड़ी। ये वो मंज़र था जो कि हमारे देशवासियों के लिए बहुत गमनाक और ना भूलने वाला दिन था। याद करें वो दिन जिसको हमें हमारे पैसे ही निकालने के लिए पुलिसों की लाठी खानी पड़ी, और ये सब हमने इसलिए सहा क्योंकि हम एक अच्छा नया दिन देखना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, ना देश से करप्शन गया, ना देश से भूखमरी मिटी, ना काला धन वापस आया। हमने लाइनों में खड़ा रहा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुन कर के वो काला धन वापस लाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ गरीबों का भूखमरी मिटाने के बजाय इन पर परेशानी और जुल्म सहना पड़ा, और आज तक एटीएम में पैसा नहीं है। जी हाँ, ये जो हालात आप 8 नवंबर 2016 के दिन आप जो सह चुके हैं, क्या आज अवाम 2 साल बाद खुश है? ये देखने के लिए हमारी द गुलबर्गा मिरर की टीम और टेक्कन डाइजेस्ट की टीम ने अवाम के बीच में गया और कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी जो उन्होंने आपको बताया है। अभी चलें देखते हैं कि 99% डीमोनिटाइज नोट्स जो आरबीआई को रिटर्न हो चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है, तो ये एक और फेलियर रिपोर्ट थी। जी हाँ, दूसरे रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो 95 से ज़्यादा यानी कि 97% डीमोनिटाइज 500-2000 नोट्स रिटर्न टू बैंक्स, एक और रिपोर्ट है। दूसरी चीज़, अभी आइए हम चलते हैं, गिव मी 50 डेज, बर्न मी अलाइव इफ़ आई एम रॉन्ग। मोदी जी ने 50 दिन का वक्त मांगा था। आज मैं मोदी जी से पूछता हूँ कि 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं तो अभी तक आपका कुछ जवाब नहीं आया, अब बताएं हम आपका क्या करें। तो इन्हीं सवालों के साथ मैं हमारा वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं इसका क्रेडिट हमारे पूरी मीडिया टीम को देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़।